तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे पीकेसी पीयूष टेक और मैं हूं आपके साथ पीयूष। तो आज की वीडियो का टॉपिक तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपको अपने वीडियोस में 1K व्यूज आराम से मिल सकते हैं, मतलब एकदम आराम से। अगर आपने चैनल चालू किया या कुछ दिन हो गया आपको चैनल चालू किए हुए, एकदम स्टार्टिंग में नहीं बोलूँगा, 1 से 2 हफ्ता हो गया, तो आपको 1K व्यूज आराम से मिल सकते हैं। अब वो कैसे मिलेंगे, आपको कहाँ क्या शेयर करना और कैसे करना है, वो सब कुछ के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और ये एक मतलब बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, या मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है। और अभी मेरे पास करंट में एक सब्सक्राइबर का आया था कमेंट, तो मैंने उसी से रिलेटेड ये वीडियो बना दिया। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1K व्यूज़ के लिए आपको पहली बात तो अपने वीडियो को, एक वीडियो को कम से कम 2 दिन, मतलब एक वीडियो अपलोड किया तो अच्छा कंटेंट के साथ, और ऐसा वीडियो अपलोड करना है कि अगर आप किसी को शेयर करो और उस वीडियो को वॉच करना चालू करें तो सिंपली से उस वीडियो को एंड तक वॉच करें। कुछ ऐसा रहना चाहिए उस वीडियो में, ये नहीं कि शुरुआत में ही कुछ 1 मिनट में ही वीडियो ऑन किया बंद कर दिया, या 1 मिनट देखा और बोर होके बंद कर दिया। और कभी भी अपने जैसे मतलब फ्रेंड्स या फैमिली को शेयर कर रहे हो तो उसको बोलिए कि पूरा देखे, ठीक है। कभी भी अपने फ्रेंड्स या फैमिली को आप शेयर करोगे अपने वीडियो तो वो वीडियो ऑन करेंगे, अगर लाइक करने का मन किया तो लाइक कर देंगे, कमेंट करने का मन किया कमेंट करके बस चल जाएंगे। कभी भी वीडियो को पूरा नहीं देखें, आपका बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि उससे आपके वीडियोस पे व्यूज़ कम आ जाएंगे, इंगेजमेंट कम हो जाएगी, यूट्यूब कम कर देगा, बोलेगा इस वीडियो में इतना इंटरेस्ट नहीं है लोगों को, लोग ज़्यादा देर तक देख नहीं रहे, व्यू ड्यूरेशन बहुत कम है इसका, तो इसलिए इस वीडियो की रैंकिंग को घटा दिया जाएगा। आप ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जो आपके वीडियोस को देखना पसंद करते हैं, या जो उस टॉपिक में, जिस टॉपिक में आप वीडियो बनाते हो उस पर इंटरेस्टेड है, उन लोगों को शेयर कीजिए। और ऐसा वीडियो बनाइए कि लोग एंड तक देखना पसंद करें, 1 मिनट में बोर ना हो। 5 मिनट का वीडियो तो कम से कम 4 से 3 मिनट तक, 3 या 4 मिनट तक देखना पसंद करें, और अच्छी तरीके से एकदम खुश होकर और इंटरटेनिंग लगे उन्हें। और अब अगर आपको व्यूज़ चाहिए 1K व्यूज़ या उससे ज़्यादा, तो आपको उसके लिए अपने वीडियोस को ऐसे ऐसे पेजेस में, फेसबुक पेजेस की बात कर रहा हूँ, फेसबुक पेजेस में शेयर करना होगा। उसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे लिंक दे दूंगा। तो फेसबुक पेजेस पे, जैसे अगर मान लीजिए यूट्यूब में है, तो यूट्यूब में अगर आप गेमिंग से रिलेटेड बनाते हो तो गेमिंग पेजेस बहुत सारे होते हैं यूट्यूबर्स के लिए, या यूट्यूबर्स सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए पेजेस होते हैं, या गेमर्स के लिए भी पेजेस होते हैं। सारे पेजेस को ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद आप उन सब में अपने लिंक्स को शेयर कीजिए, या उसमें जो जो लोग हैं उनको पर्टिकुलरली सेंड कीजिए। इस तरीके से आपका वीडियोस जो है लोगों तक पहुंचेगा और लोगों को हेल्प मिलेगा आपके वीडियोस से, अगर आपने अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया होगा तो। अब आपको और कैसे व्यूज़ मिलेंगे, आपको अलग अलग कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, शॉर्ट वीडियोज़ वाला, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या इंस्टाग्राम पे भी अपने वीडियोज़ को छोटा छोटा पार्ट कट करके डालना है। इससे लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये चैनल है, ऐसा ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करता है, तो लोग अपने विजिट करेंगे। आप नीचे लिंक दे दीजिए तो उससे लोग और विजिट करेंगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा अपने वीडियोस को ग्रो करने में, या अपने वीडियोस को अच्छी तरीके से बनाने में। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको अपने वीडियोस को सिंपल तरीके से रैंक करवाना है। उसके लिए आपको अपने वीडियोस में अच्छी तरीके से टैग्स, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग्स, ये सब कुछ डालना होगा। अब उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, टैग्स के लिए आप रैपिड टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या किसी भी वीडियोस के नीचे अगर आप देखो तो ट्यूब बडी एक्सटेंशन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ट्यूब बडी और रैपिड टैग्स का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रैपिड टैग्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसको सिंपली से चेकआउट कर सकते हो। अब आपको इतना में मैं कम से कम आपको बोल सकता हूँ 600 व्यूज से लेके 700 व्यूज आराम से पहुंच जाएंगे अगर आप इतना सारी चीज़ें करो। अब आपको क्या करना है अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, आपको टेलीग्राम चैनल बनाना है जिसमें आपको अपने सब्सक्राइबर्स या जितने भी लोग हैं जो आपके कॉन्टेंट को पसंद करते हैं या आप ही की तरह कॉन्टेंट बनाते हैं उन्हें ऐड कर लेना है। अब ऐड करने के बाद आपको उसमें हमेशा अपने वीडियोस का लिंक श्योर डालना है, इससे लोगों के पास अगर यूट्यूब से आपका वीडियोस नहीं पहुंच रहा होगा तो सिंपली से आप टेलीग्राम में अगर वीडियो लिंक डाल दोगे तो वो उससे देख लेंगे और आपके वीडियोस में व्यूज़ आ जाएंगे। और अगर आपको और व्यूज़ चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका एक दिन में 1K 2K व्यूज़ आने लगेगा नया नया चैनल पर, तो YouTube जो है आपके वीडियोस को सर्च रिजल्ट में ला देगा, और सर्च रिजल्ट के शुरुआत में, सेकंड,
फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे ऐसे आएगा तो पक्का बोल सकता हूँ आपके चैनल पे बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। और आपके चैनल पे 1K व्यूज क्या, 1K सब्सक्राइबर्स, 4000 वॉच टाइम बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था कि आपको हमेशा अपने वीडियोस को कहीं और शेयर नहीं करना। व्हाट्सएप में गलती से भी किसी फ्रेंड फैमिली मेंबर को शेयर मत कीजिए। हाँ, अगर आपने अपना अलग एक ग्रुप बना रखा है जो आपके वीडियोस को देखते हैं तो आप उसमें शेयर कर सकते हो, लेकिन कभी भी अपने फैमिली या फ्रेंड्स को शेयर मत कीजिए, वरना आपके वीडियोस में व्यूज कम होंगे और आपके चैनल की रैंकिंग भी कम हो जाएगी, क्योंकि व्यू ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपके वीडियोस 5 मिनट का और 4 मिनट लोग देख रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, और यूट्यूब भी उस वीडियो को एकदम रैंक करवाने में लग जाएगा। लेकिन अगर आपको अपने से रैंक करवाना है तो आप फेसबुक पेजेस, टेलीग्राम चैनल या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो। इंस्टाग्राम का कैसे करना है, जैसे छोटे मोटे प्लेटफॉर्म MX, टकाटक, ये बहुत अलग अलग आ गए ऐप्स, तो उसमें आप अपने छोटे मोटे वीडियोस या छोटा सा पार्ट करके, जो इन्फॉर्मेटिव पार्ट हो या इन्फॉर्मेटिव का पहले वाला पार्ट, और जस्ट जैसी मेन इन्फॉर्मेशन आ रहा हो वो कट हो जाए और वहाँ लिख दे कि आपको इस चैनल पे विजिट करना है, आप जाके यहाँ चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो को पूरा। तो जो भी इंटरेस्टेड लोग होंगे वो जाके इस चैनल को चेकआउट करेंगे और आपके चैनल पे अच्छी खासी रैंकिंग आ जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था कि कैसे आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल भी करना है और 1K व्यूज और 1K सब्सक्राइबर्स और बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो आप, और अपने चैनल को मोनिटाइज भी कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं एंड।